आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम सभी वीडियो लेकर आए हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए। हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो क्वेश्चंस है वो कल के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिथक गाथाएँ तथा मौखिक परंपराओं से क्या समझते हैं, किस प्रकार से अतीत में मानव के तालमेल को आकार प्रदान करते हैं। देखिए तो मिथक गाथाएं लिख के हेडिंग दीजिएगा। अंग्रेजी में इसे मिथ कहा जाता है, इसे पौराणिक कहानी माना गया है जो मुख्य रूप से आदि काल के इतिहास से जुड़ी हुई है, आदि मानव के इतिहास से जुड़ी हुई है। इस समय में जितने भी तथ्य पाए गए उन्हीं के आधार पर इतिहासकार ने मिथक गाथाएं बताते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। बात करेंगे मौखिक परंपराएं की, इसे अंग्रेजी में लेजेंड्स कहा जाता है। यह एक मौखिक इतिहास है। इस इतिहास के तथ्यों के आधार पर हमारे पूर्वज हमें जो इतिहास सुनाते हुए आए हैं वही मौखिक इतिहास है। यह केवल सुनी सुनाई कहानी है। अगला है मिथक गाथाओं एवं मिथक परंपराओं मानव जीवन को एक नया आकार प्रदान करती है। इसके द्वारा हमें नया ज्ञान मिलता है और पुराने समय में लोग कैसे अपना जीवन बिताते थे, उनका रहन सहन, खान पान एवं वेशभूषा आदि के आधार पर हम अपने जीवन में बदलाव करते हैं और इन चीज़ों से समझकर जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं और जीवन में विकास करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो में आप सभी को ट्रूमैन सिद्धांत तथा मार्शल योजना ये समझाया जाएगा, तो वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए जुड़े होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।